देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति वो बात कहती है, परंतु उसके बावजूद उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आधारभूत संरचना चाहिए, जो साधन चाहिए, जो पढ़ाई चाहिए, जो पुस्तकें चाहिए, जो अध्यापक चाहिए, वो उस सब की कमी को हम सब दूर कर सकें उसके लिए सरकार और समाज दोनों के प्रति की आवश्यकता। थैंक यू। नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली के गंगाचरण आर्यवर्धन अस्पताल के चंद्रकांता सभागार में। आज हम एक ऐसे वक्ता का व्याख्यान आपको सुनवाने जा रहे हैं जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, जिन्हें देख भी रहे होंगे। जोशी जी हैं, एक देश विदेश में इनका नाम है, राजनयिक रह चुके हैं, यानी राजदूत रह चुके हैं भारत की तरफ से, और क्या बोले हैं इस समय खास बातचीत में गंभीर न्यूज से, आइए सुनते हैं उनकी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। आपका पूरा परिचय मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे, थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम हरिंद जोशी है और मैं केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, जिसके अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान है, उसके उपाध्यक्ष के रूप में मेरे पास जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय और कोयला मंत्रालय जो है उसमें मैं हिंदी का सलाहकार भी हूँ, और मैं 9 वर्ष तक राजनयिक के रूप में ब्रिटेन में और फिजी में रहा हूँ। गृह मंत्रालय में मैंने सेवा की है। मैं लेखक हूँ, मेरे कई कविता संग्रह प्रकाशित है, और प्रवासी साहित्य का अध्ययन मेरी विशेष रुचि का। आज बरेली आए हैं, आपने क्या निष्कर्ष स्वरूप पैगाम या मैसेज या संदेश दिया है जो मेरे दर्शकों तक पहुँचे, हजारों हजार लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सर क्या मैसेज ऐसा देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं 2 बिंदुओं पर जो अपने भाषण में जोर दिया, पहला ये है कि जो भारतीय भाषाएं हैं उसको शिक्षा नीति में भी ये कहा गया है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, परंतु जब तक समाज का उसको साथ नहीं मिला तब तक वो नहीं होगा। आज जो प्राथमिक स्कूलों में हम कहते हैं भारतीय भाषाएं हो जाएं, सरकार करना चाहती है, परंतु अभिभावक तैयार नहीं, उसके लिए हमें समाज के मन को तैयार करना पड़ेगा। और ये कोई अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी भी सशक्त हो, परंतु भारतीय भाषाएं जीवन के हर क्षेत्र में आए, ऐसा हमारा प्रयास है, पहली बात ये। दूसरा, जो साहित्य के जो मानदंड है, जो साहित्य के मूल्यांकन की पद्धति है, उस पर हमको विचार करना चाहिए, और उस दृष्टि से हमने कहा कि चाहे भक्ति आंदोलन है जो कि भारतीयता का प्रतिनिधि स्वरूप है, जिसमें उठ नीच छुआछूत ये सब नहीं है, कर्मकांड नहीं, उसी तरह से जिसको हम छायावाद कहते हैं वो वास्तव में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साहित्य। और आज जब हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, चाहे वो विवाह हो, धर्म हो, परिवार हो, उस पर प्रहार हो रहा है, तो हमें भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, हमें भारत के लोग को जिसकी अवहेलना और उपेक्षा की गई उसको समझना पड़ेगा, तो फिर हम भारतीयता के ठीक मूल्यों को समझ सकेंगे और शायद साहित्य को, समाज को, देश को और दुनिया को एक दिशा देंगे। सर एक सवाल बस आखिरी है, लगता नहीं कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोग आंगल भाषा की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और मदर फादर वाले स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों में खासतौर से शिशु मंदिरों में तरफ हे दृष्टि से देख रहे हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं लगता अब इस समय आ गया है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात किया आपने, और ये जो हम भारतीय भाषाओं की जब बात करते हैं तो जैसे हम वी आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, धारा के विपरीत बह रहे हैं, और वो बहुत आवश्यक है, लेकिन इसको समझाने में और इस धारा के विपरीत बहने में बहुत समय लगेगा, बहुत श्रम करना पड़ेगा। हमारी शिक्षा नीति, हमारे प्रधानमंत्री जी और देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति वो बात कहती है, परंतु आयोजन में देशभर के प्रमुख भागों से महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने भाग लिया है। मैंने 2 बिंदुओं पर उसमें जोर दिया, पहला तो यह है कि जो शिक्षा नीति में जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाया जाए, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाएं लाई जाए, मैंने डॉक्टर साहब से भी अनुरोध किया कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस सब में हिंदी में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई प्रारंभ। दूसरी बात, साहित्य के मानदंडों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। साहित्य के मानदंडों की जब हम बात करते हैं, चाहे वो छायावाद हो, चाहे आज़ादी के बाद मोह भंग की बात हो, इस तरह के बजाय सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीयता और भारतीयता के जो भाव हैं उसके ऊपर बल दिया जाए, और अखिल भारतीय साहित्य परिषद और ये सभी साहित्यकार इस अभियान में शामिल है, मैं इसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद।